के बढ़ते मामलों के चलते अब कान्हा की नगरी मथुरा में भी असर दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के होली जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को निरस्त करना अपने आप में बताता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। सामूहिक आयोजन व भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसके सबसे तेजी से फैलने के चलते इसका असर कान्हा के भक्ति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मथुरा में 7 मार्च को होने वाली विधवाओं की होली के आयोजन को निरस्त कर दिया गया है, तो वहीं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर प्रबंधन के कोरोना वायरस के चलते विदेशों से आने वाले अपने श्रद्धालुओं को आगामी 2 माह तक वृंदावन न आने का अनुरोध किया गया है। साथ ही भक्त आए थे उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवाया गया है। इस संबंध में इस्कॉन मंदिर के PRO सौरभ दास ने बताया कि कोरोना वायरस जिस तरीके से विदेशों में पैर पसार रहा है और उसके बाद से वह भारत में भी लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर यह कदम उठाया गया है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सईद की रिपोर्ट। What's your opinion, Corona virus? I think if you have safety, something safety, nothing serious. Because wash your hands and everything will be okay. Never mind. I'm not afraid. What's your name, sir? Andre. Which country live are you? Russia. Okay, thank you. क्या नाम है सर आपका? हरे कृष्णा, मैं सौरभ त्रिविक्रम पब्लिक रिलेशन से। सर, आपने सब विदेशी भक्तों को कोई एडवाइस जारी की है कि कोरोना वायरस चेक करा के आएं? देखिए, हमने सारे विदेशी भक्तों को जिस तरीके से कोरोना वायरस बाहर से भारत में प्रवेश करना शुरू हुआ है, हम सारे भक्तों से और विदेशी जितने भी यात्री आते हैं मंदिर में, सबसे हाथ जोड़ के निम्र निवेदन कर रहे हैं कि कृपया अपना जाँच करा के मंदिर आए। सर, इस होली के महापर्व पर कितना प्रभाव पड़ रहा है कोरोना वायरस का? देखिए, होली जो रंग है, 75% रंग चाइना में उसी समय बनाए गए थे जब कोरोना वायरस चाइना पे बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो मेरा सबसे इस बार निवेदन है कि होली खुशियों का रंग है, लेकिन इस तरीके से ना करें कि वो आपको दुखी के रंग में बदले। और आज हमारे प्रेसिडेंट पंचकोड़ा दास जी प्रभु ने पूरे मंदिर पर मास्क का भी वितरण किया है। सर, कोरोना वायरस को देखते हुए भक्तों में कितनी कमी आई है, वृद्धि हुई है? देखिए, अभी तक कोई कमी ऐसा खास नज़र नहीं आया है, क्योंकि अभी हमारे कुछ 3 बड़े बड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं। गौर पूर्णिमा, इसके बाद शोभा यात्रा है 18 तारीख को, इसके बाद 19 तारीख को बोट फेस्टिवल, तो उसको देखते हुए फिलहाल अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि कोई कमी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.